लेयर थ्री एजुकेशन में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हमारा डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो आज आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आपकी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि रस की निष्पत्ति किससे होती है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से। तो आप सभी को पता है कि रस की निष्पत्ति जो होती है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होती है। तो ऑप्शन आपका डी वाला होता है। ठीक है, रस किसे कहते हैं? तो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी है वो मानी है 9, 10, 11 या 8। कितनी मानी है बताइए, भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी है? 8, 9, 10 या 11। वेरी वेरी गुड। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी है वो कितनी मानी है आप सभी को पता है। तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। सर नोवा के कौन सा है? तो नोवा अगर पूछे तो वो है शांत। दसवा पूछे, दसवा पूछे तो वात्सल्य, और 11वां पूछे तो भक्ति। ठीक है, चलिए 8 कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस है ना, सब पता है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रोद रस, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ठीक है, ये 8 बता दिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है उपसर्ग का प्रयोग। तो सबसे पहले जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे आप क्या कहते हो, और जो शब्द किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है उसे आप क्या कहते हो बताइए। तो उपसर्ग तो आप सभी को पता है कि जो शब्द किसी भी शब्द के पहले मतलब प्रारंभ में जुड़ता है, पहले जुड़ता है या प्रारंभ में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ेगा उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ेगा उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब आपको बताया था मैंने कि उपसर्ग में उप का अर्थ और सर्ग का अर्थ क्या होता है। तो उप का अर्थ मैंने आपको बताया था, उप का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग में उप का अर्थ होता है और सर्ग का अर्थ होता है। तो उप का अर्थ होता है समीप या निकट, और सर्ग का होता है सृष्टि करना। चलिए अगला प्रत्यय। प्रत्यय में प्रत्यय प्रत्यय जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द ऊन, उष्ट, ऊंचा या उल्लू। तो तत्सम शब्द होता है उष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्वासित में प्रत्यय। तो जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, निर्वासित सित, निर्वासित सित आएगा कि इत आएगा, निर्वाधन इत 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 प्रत्यय आएगा, निर्वासित इत इत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा, तो मैंने आपको बताया था कि अयोगवा की संख्या कितनी होती है। अयोगवा होते हैं 2, अम और अह, ये होते हैं 2 अयोगवा। इन्हें अयोगवा क्यों कहते हैं? इन्हें अयोगवा इसलिए कहते हैं ये न तो पूरी तरह स्वर में आते हैं और न पूरी तरह व्यंजन में आते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अयोगवा। अगर आपसे पूछ ले हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या होती है 11, और कुल पूछे तो कुल आपको बताना है 13। अ से लगाकर औ तक ये आपके 11 स्वर हैं, और अगर टोटल पूछे अयोगवा मिलाकर तो 13 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? पद, लक्ष्मी, श्री, ये किसके पर्यायवाची हैं, रमा के, देव के, हरि के या काल के? बताइए, पद, लक्ष्मी और श्री। तो पद, लक्ष्मी और श्री ये हैं आपके रमा के पर्यायवाची। रमा के पर्यायवाची होता है पद, लक्ष्मी और श्री। देव्य का पर्यायवाची, देव्य का पर्यायवाची बताइए, देव्य का नहीं। हरि का पर्यायवाची तो याद है, हरि का पूछा जाता है। हरि का एक तो होता है शार्दुल, शार्दुल होता है हरि का पर्यायवाची। एक होता है केहरी,
एक होता है सिंह, एक होता है वनराज, एक होता है मृगराज, ठीक है, ये होते हैं आपके हरि के पर्याय। चलिए, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। वह ये वाला तो गलत हो गया, वह ये वाला गलत हो गया। यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता, बताइए। तो वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, ये बिल्कुल सही है। यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता, नहीं, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। निम्नलिखित वाक्यों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों को मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, ये कौन सा वाक्य? मिश्र, संयुक्त, सरल या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, संयुक्त वाक्य कौन सा होता है भाई? संयुक्त होता है कि राम राम खेलता है, राम खेलता है और श्याम पढ़ता है, ये तो आपका संयुक्त हो गया, श्याम पढ़ता है, राम खेलता है और श्याम पढ़ता है, ये आपका होगा संयुक्त, ठीक है। सरल वाक्य में तो आपको पता है कि उसने अपने भाई को खाना खिलाया, क्या उसने, ये सरल वाक्य, अपने भाई को खाना खिलाया, ये हो गया सरल। तो ये कौन सा हो गया? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य होता है मुझे विश्वास है आप जरूर आएंगे। संयुक्त वाक्य में महेश खेलेगा और राम पढ़ेगा, दो हो जाएंगे, संयुक्त जोड़ना पड़ेगा। सरल, उसने अपने भाई का खाना खाया, ये हो गया सरल वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर का, उष्ण का विलोम, ताप, शीत, गर्मी या वर्षा। तो उष्ण का होता है, उष्ण का आपका शीत और शीत, शीत शीत और शीतल, ये दो होते हैं, शीतल, या तो शीत होगा या शीतल होगा। गर्मी का तो पता है, गर्मी का सर्दी, ताप का शीत, ताप का शीत। चलिए, अगर यहाँ उष्ण का पूछे तो शीत आ जाएगा, और ताप का पूछता तो शीत आ जाता, शीत और शीतल। इति और इति, इति का खत्म या फसल, इस इति और एक बड़ी इति, समाप्ति। इस इति का होता है इति श्री करना, समाप्त करना, समाप्ति, और इस इति का होता है सर फसल की बाधा, इति इति श्री खत्म। जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे आपको माप या तोल नहीं सकते, उसे कौन सा कहलाते हैं भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा, बताइए। देखो, नाउन, ये है नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को आप क्या कहते हो? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो जातिवाचक, इसमें पूरी जाति का बोध होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, इसमें द्रव्य का बोध होगा और इसमें किसी भाव का बोध होता है। तो जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का होता है तो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जहां दो सवर्ण मिले, सवर्ण मतलब सवर्ण, अ प्लस अ तो बनेगा बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, तो ये होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए, अब आपके सामने पूछा है कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है आपके 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि भी आपकी होती है 5 प्रकार की, DIGEYA, क्या है? DIGEYA, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ये होती है 5 प्रकार की, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। चलिए, क्या याद होते हैं? डी, स्वर संधि के भेद बता रहा हूँ, स्वर संधि के 5 भेद, DIGVYA, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि का विलोम आपको बताना है विग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से समास का भेद, देखो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास आप सभी को पता है कि सर समास तो होते हैं 6 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के, कौन कौन से? एक होता है आपका द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तद्वंद समास,
अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु द्वंद बहुव्रीहि। 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। समास कितने? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास, इसमें होती है आपकी कारक विभक्ति। कर्मधारय समास, उपमान उपमेय। द्विगु समास, संख्या। द्वंद समास, समान पद। बहुव्रीहि समास, भगवान के नाम। चलिए, तो कौन सा नहीं है? तो पुनरावृत्ति नहीं है। अगला, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को बताएं, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के भेद बताओ। रस तो अभी बता दिया, श्रृंगार रस, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार, दो होते हैं इसके भेद, संयोग और वियोग। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों के सही अर्थ भेद, आभास और अभ्यास। आभास और अभ्यास, इस आभास का अर्थ होता है भ्रम में, और इस अभ्यास का होता है आदर। दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ दुस दुस दुस, दु गलत है, दुस गलत है, दूर गलत है, ठीक है? तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। जो पहली बार देख रहा है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली क्लास आपकी 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी कल से, है ना? तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9753749486, तो आपको डेली क्लास की लिंक मिलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस जिनको बुक मंगानी है बुक अवेलेबल है, जिनको नोट्स मंगाने हैं, मतलब जिनको घर बैठे बुक मंगानी है, हिंदी की बुक अवेलेबल है घर बैठे सुविधा, इसका डेमो देखने के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। हिंदी का पेड कोर्स अवेलेबल है, और पटवारी का पेड कोर्स अवेलेबल, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है? तो जिनको जो लेना है वो ले सकते हैं, या हमारे डेली फ्री क्लास में ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तत्सम तद्भव, पूर्व पूर्वी। चलिए अगला, कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? चौड़ाई, मथानी, जटिल, पढ़ाई। पढ़ाई, ई पढ़ाई, 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 बिल्कुल सही, कृत प्रत्यय। ट वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान, चलिए ये बता दो, तालव्य, नासिक, मूर्धन्य ध। सबसे पहले तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, क्या पूछेंगे? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है 25 होती है। कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। आपसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। क से लगाकर म तक ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अब आपसे पूछा है ट वर्ग, तो देखो अब आपको बताना है ट वर्ग की ध्वनि का उच्चारण, यहाँ पर कुछ भी पूछ लेता है आपको। तो देखो क वर्ग में अगर आपसे पूछ ले कि क वर्ग, क ख ग घ न, ये 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग होता है कंठ से, च वर्ग होता है आपका तालव्य से, रुको यहाँ पर लगा देते हैं कंठ में आपका क वर्ग, तालव्य में लगा देते हैं च वर्ग, च छ ज ज न। ट वर्ग आपका लगा देते हैं मूर्धन्य, ये ट वर्ग आपका मूर्धन्य। त वर्ग लगा देते हैं दंत, और आपका एक और है प वर्ग लगा देते हैं ओष्ठ, प वर्ग आपका ओष्ठ, ठीक है? क च ट त प, तो ट पूछा है तो मूर्धन्य, त पूछे तो दंत, च पूछे तो तालव्य, प पूछे तो ओष्ठ। नासिक व्यंजन पूछे तो नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। कौन कौन से होते हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म विपरीत नहीं है? तो उदार का अनुदार, न्यूतन का अल्प, अक्षम का सक्षम, निर्जल का सरल। तो न्यून का अल्प ये विपरीत नहीं है, न्यून का अल्प, उदार का अनुदार सही है, अक्षम का सक्षम, निर्जल का सजल। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए, आपकी कल से डेली 8 बजे क्लास रहेगी, तो जो आना चाहता है वो मुझे मैसेज कर देना, लाइव क्लास की आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में, और आपकी हाई स्कूल टीचर एलिजिबल टेस्ट वर्ग 1 की
वैकेंसी आ चुकी है, उसमें क्या क्या है वो भी बता देता हूँ, और हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल वो भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो वर्ग एक की वैकेंसी आ गई है, इसके ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे स्टार्ट, 12-1 को इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 मार्च को इसकी एग्ज़ाम है। ठीक है, आपके पास 55 से 60 दिन बचे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें आपके 3 बड़ी बातें हो गई है। एक तो इसमें माइनस मार्किंग कर दी है, दूसरा है इसमें माइनस मार्किंग हो गई, और इसमें जो पहले 100 नंबर का एक मेन पेपर होता था किसी के बायोलॉजी जूलॉजी है ना, सबके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो 120 का कर दिया है। ठीक है, और 120 का करने के बाद आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश मैथ्स है ना, ये अलग अलग कर दिए हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। और इसकी पूरी सिलेबस की PDF भी मैं आपको दे दूँ। आपके वर्ग एक में सामान्य हिंदी जो है, हिंदी 8 नंबर की आएगी। ठीक है, अंग्रेजी जो आएगी, अंग्रेजी आएगी वो आपकी 5 नंबर की आएगी। सामान्य ज्ञान, घटनाचक्र, तार्किक, अंकित, योग्यता 7 नंबर की आएगी। और शिक्षा शास्त्र, बाल विकास की जगह उन्होंने पेडागोजी कर दिया है, वो आएगा आपका 10 नंबर का। ठीक है, टोटल मिलाकर 30 नंबर के ये आएंगे, और 120 नंबर का वो पेपर आएगा, जो मेन सब्जेक्ट पहले 100 का था वो 120 का कर दिया। ठीक है, अब इसमें माइनस मार्किंग भी कर दी। चलिए, पहले 10 नंबर का था तो 8 नंबर कर दिए। अब पिछली बार जो हाई स्कूल टीचर लेवल टेस्ट 2018 को, 2 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था, उसमें क्या पूछे थे क्वेश्चन। चलिए, जो नया है, जो हमसे जुड़ना चाहता है, वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी अब हिंदी की क्लास डेली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें संविदा का वर्ग एक का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी के, तो हिंदी की बुक अवेलेबल है, आप घर बैठे मंगा सकते हो उसको। वीडियो कोर्स भी अवेलेबल हैं, जिनको जो चाहिए, जो हमारे डेली क्लास में ऐड होना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज हम देखेंगे किस तरह के आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको बताना है अनुमान का सही समानार्थी शब्द। अनुमान का प्राकलन, अटकलनबाजी, परिकल्पना या मानना। तो आप सभी को बताना है कि अनुमान का समानार्थी, अनुमान लगाना, तो इसका जो समानार्थी होगा प्राकलन करना। क्या करना, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, अनुमान लगाना, तो ऑप्शन ए, प्राकलन करना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है शांत रस, रस का क्वेश्चन पूछ लिया। शांत रस का स्थायी भाव, मैंने आपको रस के बारे में बहुत बार बताया है, ठीक है, एक बार और बता देते हैं। शांत रस का स्थायी भाव पूछा है, तो आपसे पूछा है रस किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रस। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8 मानी है, कितनी 8 मानी आपके भरत मुनि ने रस की संख्या। नोवा कौन सा माना है, नोवा आपका शांत रस माना है। दसवा कौन सा माना है, दसवा आपका वात्सल्य रस माना है। और ग्यारहवा कौन सा माना है, ग्यारहवा ग्यारहवा आपका भक्ति रस माना है। ठीक है, अब इन रस के स्थायी भाव भी याद रखना है। चलिए, आपसे पूछा है शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है कि सर शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछे, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है श्रृंगार का हो जाएगा रति। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस का अगर स्थायी भाव पूछे तो श्रृंगार रस का आपको बताना है रति। ठीक है, अब आपसे पूछे हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुस्सा। ये होता है आपके विभत्स रस का स्थायी भाव, जुगुस्सा या घृणा, ये किसका होता है, ये आपके विभत्स रस का हो जाएगा। चलिए, अद्भुत रस का होता है आश्चर्य, आश्चर्य होता है अद्भुत रस का। शांत रस का होता है निर्वेद, ये शांत रस का स्थायी भाव है भाई, निर्वेद। वात्सल्य रस का होता है वात्सल्य विषयक रति। ठीक है, और उसके बाद भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्ति विषयक रति। चलिए, तो शांत रस का पूछा है, तो शांत का हो जाएगा आपका, शांत रस का निर्वेद। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है, उपमा, श्लेष, यमक या अनुप्रास? तो चारों चंद की चंचल किरणें अनुप्रास अलंकार, जहां एक चारों चंद की चंचल किरणें, जहां एक ही शब्द बार बार आए च च च, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो नया आया हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? जो नया आया है, जैसे आपके लिए आज नई वैकेंसी आई है, तो क्या है? जो नया आया हो उसे कहते हैं नवा, दुर्लभ नहीं, नवजीवन नहीं, नवागंतुक। नवागंतुक ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। जो नया आया हुआ हो उसे नवागंतुक कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए विकल्पों में सौजन्यता का शुद्ध रूप, सौजन्यता का सही शब्द किस, सही शुद्ध रूप बताना है, कौन सा? सौजन्य, ये स वाला, ये सूजन्य या सौजन्य? तो देखो सौजन्य का सही शब्द हो जाएगा सौजन्य, तो गलत हो जाएगा। ये देखो चार ऑप्शन में से आपको सही बताना है। सौजन्य नहीं होता है, सूजन्य नहीं होता है, इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा? स शक्कर वाला नहीं होता है, सौजन्य, सौजन्य होता है, सौजन्यता का सही रूप होता है सौजन्य। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आय शब्द के लिए विलोम, आय का क्या हो जाएगा? आय का व्यय होता है क्या? वेरी गुड, आय शब्द का विलोम होता है व्यय, ये वाला व्यय सही है। व्यय गलत है, बयाय गलत है, बयान गलत है, ये व्यय सही है। ऑप्शन आपका ए। अगर आपसे पूछ ले शुद्ध रूप बताएं व्यय का, व ये व्यय। चलिए अगला क्वेश्चन, पाठक में शब्द में प्रत्यय, तो सबसे पहले तो आपको बताना है प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, बताइए। सबसे पहले तो मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं उसे आप क्या कहते हैं? तो जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय? उपसर्ग कहेंगे। जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे पूछ ले तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित्त प्रत्यय, ठीक है। चलिए पाठक शब्द में प्रत्यय बताना, पाठक, पाठक, अक अक अक, पाठक क नहीं होगा, अक आक नहीं होगा, एक और ऑप्शन देख लेते हैं, अ नहीं होता है, पाठक, पाठक, जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है पाठक, अक हो जाएगा, अक, आ की मात्रा कहाँ है इसमें? नहीं है, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची बताओ भाई, राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखो राजा के पर्यायवाची होते हैं एक तो भूप, चलो ये भूप हो गया, उसके बाद क्या आता है? नरेश, महीपति, नरपति, नरेंद्र और एक होता है महिपाल, ठीक है, ये आपके राजा के पर्यायवाची, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि नीर के पर्यायवाची बताओ, तो नीर के आपको पता है जल, वारी, नीर, तोय, अंबु, ये होते हैं आपके नीर के पर्यायवाची। अगर आपसे पूछ ले कि व्योम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो व्योम का पर्यायवाची होता है आसमान, आकाश, नभ, गगन और अंबर, ये क्या होता है? ये आपका व्योम का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, दोपहर का समय क्या कहलाता है? अपरा, निषीद, मध्यान्ह या पूर्वान्ह? तो दोपहर, दोपहर मतलब मध्यान्ह, मध्य मध्य मध्यान्ह, अपरा नहीं मध्यान्ह कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊँट के मुंह में जीरा, 10 क्वेश्चन हो गए भाई, ऊँट के मुंह में जीरा, तो आप सभी को बताएं आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम। चलिए ये मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये आपके वर्ग एक में पूछे हुए सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है, इंग्लिश के नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है, इसके अलावा वीडियो कोर्स चाहिए तो अवेलेबल है ना आपको, और डेली की फ्री क्लास के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर, ठीक है। और अब आपके पास बहुत कम टाइम है, अब इस टाइम को व्यर्थ न गंवाएं और अच्छे से तैयारी जरूर करें।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।